नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग गुरुजीवन 1.0 में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे बीओके वर्सेस डीयूएम की टीमों के बीच में जो बाईजूस झारखंड T20 का मैच नंबर 13 खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बैट्समैन, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयरों को आप सी और वीसी के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप कॉन्टेस्ट जीएल में एज ए ट्रंप कार्ड पिक यूज करके चल सकते हो। तो संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी इस मुकाबले की फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी दोस्तों आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। और इस टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट जीएल की टीमें होंगी, वो भी आफ्टर लाइनअप आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं दोस्तों एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों, इस मैच का वेन्यू रहेगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक नेचुरल विकेट एक्सेप्ट किया गया है। साथ साथ देखो तो इस वेन्यू के ऊपर पेसर गेंदबाजों को भी काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। वहीं इस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की बात की जाए तो 130 व 150 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो। इसी के अंडर आपको ओवर स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी गाइज, इस वेन्यू की जो भी प्रेस पिच रिपोर्ट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी बीओके की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी बीओके की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इस टीम ने इस सीजन 4 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले वोन करके आ रही है, केवल एक मुकाबला है वो लॉस करके आ रही है। वहीं इस टीम की तरफ से देखो तो लगातार आपको विशाल सिंह है वो ओपन करवा के दे रहे, लास्ट मुकाबले में 18 रन है, सेकंड लास्ट मुकाबले में 28 रन है, दो ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, लेकिन एक ओवर सा प्रदर्शन हर मैच में आपको कंटिन्यू करवा के दे रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। सत्य सेतु की बात की जाए तो लगातार ये भी आपको ओपन करवा के दे रहे, लास्ट मुकाबले में 36 रन, सेकेंड लास्ट मुकाबले में 37 रन, थर्ड लास्ट मुकाबले में 80 रन की इनिंग खेली। तो सत्य से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के दोनों कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। आदित्य सिंह की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में नंबर 3 पे बैटिंग कराने के लिए 12 रन है, सेकंड लास्ट मुकाबले में 13 रन है, थर्ड लास्ट मुकाबले में 11 रन है। एक और ऐसी पिक आपके लिए गाइज रहेगी, अगर आप अपनी टीम में कवर करके चलना चाहो तो कवर करके चल सकते हो, बाकी आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से कवर करके चल लेना। भानु आनंद की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 27 रन है, सेकंड लास्ट मुकाबले में 11 रन की नाबाद इनिंग खेली। एक और ऐसी पिक रहेगी, T20 में बैटिंग औसत देखो तो ओवरऑल 26 का रहता है, तो इंपॉर्टेंट पिक भी आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। विकास सिंह की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 14 रन है, दो ओवर की बॉलिंग डालते हुए 4 विकेट निकाली, सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग का मौका नहीं मिला लेकिन 3 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 3 विकेट निकाले, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के दोनों कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। गाइस, सचिन तिवारी की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहेगा, उस कंडीशन में एक रिस्की सी पिक रहेगी, आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। गाइस, प्रतीक भगत की बात की जाए तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर देखो तो नंबर 7 पे बैटिंग कराने के लिए आते हैं, बैटिंग के चांसेस काफी कम रहने वाली है। अगर बीओके का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करवाता है तो उस कंडीशन में इनके बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे, सेकंड इनिंग में इनको बैटिंग आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहने वाली है। हर्षदेव गौतम की बात की जाए तो एक रिस्की सी पिक रहेगा, आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। पंकज यादव की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले ना तो बैटिंग का मौका मिला ना बॉलिंग डाली, सेकंड लास्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 3 विकेट निकाले, उससे पहले भी एक मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डालते हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, एक रिस्की सी पिक रही गाइस, बाकी आप जीएल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो, कभी भी आपको 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग डाल के दे सकती है। अर्पित यादव की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाला, सेकंड लास्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 1 विकेट निकाले, अपने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉल डालते हुए 3 विकेट निकाले। अर्पित यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। सौरभ सरकार की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 2 विकेट निकाले, सेकंड लास्ट मुकाबले में 3 ओवर की बॉलिंग डाली, 3 विकेट निकाले, उससे पहले भी एक मुकाबले में 2 विकेट निकाल के दे चुके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप चाहो तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी इस टीम की तरफ से बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी दोस्तों वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम
चैनल पे और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर देना गाइज। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी DUM की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस टीम ने इस सीजन 4 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले वोन करके आ रही है, 2 मुकाबले हैं वो लॉस करके आ रही है। इस टीम की तरफ से देखो गाइज तो आपको सरनदीप सिंह है वो ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में केवल 7 रन बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 67 रन की इनिंग खेली। अभी तक देखो तो एक ही मुकाबले में अच्छा खासा करवा पाए, बाकी 3 मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। तो GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके VCB ट्राई करके सकते हो, बाकी समोली वगैरह में आप चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चलना गाइज, बाकी आप अपनी मर्जी से ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। कुमार का सरक की बात की जाए, फॉर्म काफी लाजवाब चले, लास्ट मुकाबले में 59 रन की इनिंग खेली, सेकंड लास्ट मुकाबले में हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, केवल 1 रन बनाए, 17 और 46 रन की भी इनिंग खेल के दे चुके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। अंकित कुमार की बात की जाए तो लास्ट मैच में इन्हें बैटिंग में ऊपर प्रमोट किया गया नंबर 3 पे बैटिंग कराने के लिए, 41 रन की इनिंग खेली, उससे पहले इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहा था। अगर इस मुकाबले में भी आपको नंबर 3 पे बैटिंग करवा के देंगे तो आप अपनी टीम में सीधा सीधा कवर करके चल सकते हो। अतुल सिंह की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में नंबर 4 पे बैटिंग कराने के लिए बैटिंग में 11 रन आए, 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 1 विकेट निकाला, उससे पहले दोनों मुकाबलों में 3-3 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। हालांकि अपने फर्स्ट मुकाबले में देखोगे तो 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए उन्होंने 5 विकेट भी निकाल के दिए, तो एक रिस्की सी पिक रहेगा गाइस। बाकी आप GL वगैरह में जरूर से ट्राई करके चलाएं, आपको कंप्लीट 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से CVCB ट्राई करके चल सकते हो। राहुल कुमार इस टीम की तरफ से लास्ट मैच में न्यू प्लेयर एडेड हुए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, केवल 6 रन, एक रिस्की सी पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अभय सिंह हो गया, रोहित कुमार हो गया, इनका भी दोनों का बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहेगा, बैटिंग आने के चांसेस कम रहने वाले। अगर फर्स्ट इनिंग में DUM का टीम बैटिंग करता है उस कंडीशन में आप GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चलते हो, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। मनीष की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे पहले वाले 3 मुकाबले 4-4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 1-1 विकेट निकाल के दिया, तो एक ओवर स्थिति पिक आपके लिए रहेगी गाइज। अगर आप चाहो तो अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। शुभम सिंह की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले 3.2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाला, सेकंड लास्ट मुकाबले में विकेट लेस रहे, उससे पहले वाले मैच में देखो तो 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 2 विकेट, और अपने फर्स्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 1 विकेट निकाला, आपके लिए एक ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना। उमर मालिक की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 विकेट, सेकंड और थर्ड लास्ट मुकाबले में 2-2 विकेट निकाल के दिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना। अमित कुमार यादव की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में ये भी न्यू प्लेयर एडेड हुए थे, 3 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, लेकिन आपको 3 या 4 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सी पिक रहेगी, जरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो गाइज। बाकी इस टीम की तरफ से बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी दोस्तों वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये तो हो गया दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की डेमो टीम गाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज विकेट कीपिंग सेक्शन में, कुमार का सरग आपको ओपन करवाते हुए भी नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में देखो तो 59 रन की काफी लाजवाब इनिंग खेली, फॉर्म भी काफी लाजवाब चली, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके इतना। भानु आनंद आपको नंबर 4 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, फॉर्म इनकी भी काफी लाजवाब चली, लास्ट मुकाबले में देखो तो 27 रन की इनिंग खेली, एक ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके इतना। शरणदीप सिंह की बात की जाए तो लगातार ओपन करवा के आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मुकाबले में 1 रन है, सेकंड लास्ट मुकाबले में 67 रन की इनिंग खेली, उससे पहले वाली भी दोनों मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, तो एक रिस्क सी पिक रहेगी गाइस। बाकी आपको ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे, ODI में बैटिंग औसत देखो तो 45 का रहता, तो एक GL वगैरह में एक ट्रंप कार्ड पिक भी आपके लिए रहेगी, तो GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके VC ट्राई करके चल सकते हो गाइस। बैटिंग ऑर्डर में बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर में आयुष भारद्वाज लास्ट मुकाबले में नहीं खेले थे, अगर खेलते हो तो आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चलना। सत्य सेतु आपको ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे, फॉर्म काफी लाजवाब चली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप स्मॉली और ग्रांड लीग के दोनों कॉम्बिनेशन में CVC ट्राई करके चल सकते हो। अंकित कुमार लास्ट मुकाबले में टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराने के लिए 41 रन की इनिंग खेली, उससे पहले इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहा था, अगर आपको इस मुकाबले में भी नंबर 3 पे बैटिंग करवा के देते तो आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चलना, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। प्रतीप भगत हो गया, साथ साथ यहाँ पे सचिन तिवारी हो गया, दोनों आपके लिए रिस्की पिक रहेगी, तो आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर BOK का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में आप GL वगैरह में ट्राई करके चलते हो, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का
का रिस्क भी ले सकते हो। वीर सिंह आपको लगातार ओपन करवा के दे रहे हैं, विशाल सिंह तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और इसका प्रदर्शन हर मैच में आपको कंटिन्यू करवा के दे रहे हैं। अतुल सिंह की बात की जाए तो अभी तक देखो तो लास्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाला, उससे पहले वाले 2 मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। हालांकि अपने फर्स्ट मुकाबले में 5 विकेट जरूर से निकाल के दिए, लेकिन आपको नंबर 4 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, कंप्लीट आपको 4 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो आपके लिए एक ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चलाएंगे। वही बात की जाए ए यादव की तो एक रिस्की पिक रहेगी, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहता है तो आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए तो विकास सिंह आपको कंप्लीट 4 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, लास्ट मुकाबले में 4 विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में 3 विकेट, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। ए सिंह आपके लिए ओवरेज सी पिक रहेगी, आपको 3 या 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे, टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग करवा के देंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में नीचे के प्लेयरों की बात की जाए तो रिस्क की पिक रहेगी, बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहेगा, बॉलिंग इतनी खासी डाल के नहीं देते, तो उस कंडीशन में आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। गाइस बॉलिंग सेक्शन में बात की जाए ए यादव, अर्पित यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, आपको कंप्लीट 4 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, फॉर्म भी काफी लाजवाब चली है, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएं। मनीष की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 4 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 3 मुकाबलों में 4-4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 1-1 विकेट निकाल के दिया, तो ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलते हो। वहीं बात की जाए अशंकर की तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी आपके लिए रहने वाली, कंप्लीट 4 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे और हर मुकाबले में आपको अच्छे खासे विकेट है वो निकाल के दे रहे, तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके चलते हो। पी यादव आपके लिए एक रिस्की सी पिक रहेगी, बाकी आप चाहो तो जीएल वगैरह में ट्राई करके चलते हो, आपको 2 या 3 ओवर की बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं बात की जाए अश सिंह की तो फॉर्म काफी लाजवाब चली, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। उमेर मलिक की बात की जाए तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली, इनका भी प्रदर्शन इस सीजन काफी लाजवाब चला है, तो ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में रहेगी, जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो उमेर मलिक को आप वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। गाइस बाकी नीचे की पिक देखो तो यहाँ पर एच गुप्ता रिस्क पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो हाफ्टर टॉस व हाफ्टर लाइनअप आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए गाइस तो फिलहाल के लिए देखो तो विकास सिंह को मैं अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करके चलाऊं, वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फिलहाल के लिए गाइस देखो तो सत्य सेतु को मैं अपनी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई करके चलाऊं, अतुल सिंह को आप ओनली जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चलाऊं, कुमार कसर को भी आप चाहो तो स्मॉल लीग में वीसी और जीएल वगैरह में कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो गाइस। वहीं नीचे के प्लेयर देखोगे तो यहां पर शेखर है, शेखर हर मैच में आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो जरूर से सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग में भी आपके लिए वीसी की एक सेफ चॉइस रहने वाली है। गाइस टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखो तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है, जो भी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो फाइनल टीम के लिए जल्दी से जाके गाइज आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर दोस्तों आपको हमारा स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।